है एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज फिर हाजिर हम एक और नई वीडियो लेकर हेयर स्टाइल की। तो सबसे पहले हमने इस हेयर स्टाइल को बनाने के लिए पोनी बनानी है। पोनी के दो सेक्शन कर लेना है। नीचे वाले सेक्शन को हम पहले टाई कर लेंगे और ऊपर वाले सेक्शन को भी हम दो सेक्शनों में डिवाइड कर लेंगे। दो सेक्शन में डिवाइड करने के बाद हम बनाएंगे इस पर फिशटेल। फिशटेल तो आपको पता ही होगा, जिसे कि हम खजूरी चोटी भी बोलते हैं वो। इसको लेकिन हमने पूरी की पूरी चोटी पे नहीं बनाना है, इसको हमें थोड़े थोड़े सेक्शनों में तीन या चार अकॉर्डिंग टू हमारे जो लेंथ होगी हेयर्स के उसके अकॉर्डिंग बनाना है। क्योंकि आजकल मीडियम हेयर ज़्यादा होते हैं तो तीन या चार उसमें सेक्शन हमारे बन जाएंगे। तो यहाँ आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पर फिशटेल बनाने लगी हुई हूँ। इस फिशटेल को हम तीन से चार उंगली तक बनाएंगे और बनाएंगे के बाद इसको क्या करना है, उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा मेरी ये हेयर स्टाइल आपको कैसी लगी। और अगर आपको ये हेयर स्टाइल अच्छा लगता है आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकती है। तो हमने यहाँ हेयर जो है तीन या चार उंगली के बराबर फिशटेल बना लिया है। उसके बाद हम इसको एक रबड़ बैंड के साथ कर देंगे सिक्योर। और सिक्योर करने के बाद हम जो है नीचे वाला सेक्शन जो हमने टाई किया हुआ था क्लचर के साथ उसको भी लेंगे और सेम लेंथ तक हम इसमें एक और रबड़ बैंड डालकर इसको भी टाई कर लेंगे। और उसके बाद हम जो नीचे वाली हमारी ब्रेड है उसको हम थोड़ा सा फ्लफी कर देंगे ताकि वो इस ब्रेड से थोड़ी सी बड़ी दिखे, चौड़ी दिखे। ऐसे ही हम एक दो तीन जितनी भी लेयर हमारी बनेंगी आगे हम दोबारा से फिशटेल बनाना शुरू करेंगे। और फिशटेल बनाने के बाद सेम प्रोसीजर रहेगा, तीन से चार उंगली यानी कि सेम इसके इक्वल हम फिशटेल बनाएंगे। फिशटेल बनाने के बाद उसको फ्लफ करेंगे। फ्लफी करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको रबड़ बैंड के साथ सिक्योर कर देंगे। फिर नीचे वाले पार्ट को लेंगे उसको भी सिक्योर करेंगे और साथ में हम क्या करेंगे फिर उसे फ्लफी कर देंगे। तो है ना बिल्कुल आसान हेयर स्टाइल, देखने में बेहद टफ लेकिन बनाने में बेहद आसान। मैंने जब देखा था तो मुझे भी लगा था बड़ा ही टफ है, लेकिन जब मैंने बनाया इसे तो मुझे लगा इससे आसान हेयर स्टाइल कभी हो ही नहीं सकता है, है ना। तो आप भी ये घर पे बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको बनाकर कैसा लगा, इजी लगा या टफ लगा। और आने वाले दिनों में भी आपको बहुत सारे हेयर स्टाइल और मेकअप से संबंधित वीडियो यहाँ पर आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो आप चैनल पर बने रहिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो फाइनली हमारी चोटी बनके हो चुकी है तैयार और यहाँ मैंने कुछ जो है हेयर एक्सेसरीज ली थी तो उसके साथ मैंने इसको कर दिया है डेकोरेट। तो ये है इस ब्रेड का फाइनल लुक जो कि है बेहद खूबसूरत। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आर वीडियो।